हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी से बना एक फेयरनेस फेस पैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मैंने यहाँ 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी लिया है। गैस, मैंने इसमें पहले ही चंदन पाउडर मिक्स करके रखा है। आप भी अपनी मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा चंदन पाउडर मिक्स करके रखा कीजिए। मुल्तानी मिट्टी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि हमारे एक्ने के प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है तो इसे भी दूर करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे कालेपन को दूर करता है और चेहरे को निखार देता है। अब मैं 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। गाइस, लेमन जूस में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं अब यहाँ गुलाब जल ऐड करूँगी। एक स्मूथ बनाने के लिए आपको गुलाब जल उस अकॉर्डिंग लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें, एक स्मूथ पेस्ट बना लें इसका। गुलाब जल उतना ही मिला है जिससे कि आपका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ऐसे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गाइस, अब मैं इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। ये पैक थोड़ा ड्राई हो जाता है इसीलिए ये मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, इसलिए मैंने इसमें हनी मिलाया है। अब इसे अच्छे से पेस्ट बना लीजिए लाइक दिस। गाइस, रंग निखारने के साथ साथ ये स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करता है, स्किन को लाइटन, ब्राइटन और टाइटन भी बनाएगा, स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को भी रिमूव करेगा और पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। ये सनबर्न और सन टैन के प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। मुल्तानी मिट्टी और लेमन और रोज़ वाटर का अच्छा पेस्ट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब इसे फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। गाइज, मैं अब मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इस तरह पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है आपको। अपने नेक पे भी अप्लाई करें आप इसे, और बेटर रिज़ल्ट के लिए आप इसे हफ्ते में 2 बार नहाने से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने इसे अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। अब मैं इसे सूखने के लिए 15 मिनट का टाइम दूंगी। 15 मिनट बाद हमें वॉश करना है। मेरा ये पैक सूख गया है, देखिए। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो चलिए, मैंने अपने पूरे फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। आपको पहले दिन से ही डिफरेंट नज़र आएगा। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।